सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के नरहन मध्य विद्यालय पर आज कोरोना के वैक्सीन दिहल जात रहल और जहां पर स्वास्थ्य कर्मी के लापरवाही देखे के मिलल ह। दरअसल नरहन मिडिल स्कूल पर आज कोरोना के वैक्सीन दिहल गेल ह। वैक्सीन देहला के उपरांत जॉन सिरिंज रल और निडिल रल ओकरा के खुलेआम राजद के जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह जी के घर के प्रांगण में फेंक दिहल गई हो। अब स्वास्थ्य विभाग के से बड़ लापरवाही का हो सकता। जॉन सिरिंज केहू के दिहल गेल बा, जॉन निडिल केहू के दे के यूज कल गेल बा इंजेक्शन दे के, ओकरा के खुलेआम सरेआम एहिंग सामने घर के कैंपस में फेंक दिहल जाता, ए से बड़ा लापरवाही का हो सकता। ए पर जे भी स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी बा ओकरा संज्ञान लेवे के चाही। ई मामला नरहन के बाद जहां आज कोरोना के वैक्सीन दिहल गेल ह और राजद के युवा जिलाध्यक्ष के घर के प्रांगण में ई सिरिंज फेंकल गेल बा। आज स्वास्थ्य कर्मी लो यहां पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरहन में कोरोना वैक्सीन देने आए थे। वो अपने ड्यूटी के प्रति कितने जिम्मेवार हैं और किस तरह से उन्हें सिरिंज का डिस्पोजल करना है, कहाँ उन्हें फेंकना चाहिए, किस तरह से रोग के प्रसार को रोकना चाहिए, ये बात जो है उन स्वास्थ्यकर्मियों को समझ में नहीं आती है। और ये देखिए कितना नाजायज ढंग से हमारे कैंपस में ले आके और जितना भी सिरिंज इस स्कूल में इस्तेमाल हुआ है सारा सिरिंज इसमें रख दिया गया है हमारे कॉर्नर पर ले जाके। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं बाहर में, कभी कोई उस इंजेक्शन से जो है अपने आप को चुभ हो सकता है या कोई बीमारी फैल सकती है। और इतने लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ में सरकार जो है ये अपना इतनी महती जिम्मेदारी दे रही है कोरोना वैक्सीन लगा के और उसको चारों तरफ पूरे रोड से लेकर सड़क से लेकर, ये तो घर का कॉर्नर है, ये तो दिखाई दे दिया आपको चूँकि हम यहाँ थे। अब इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिरिंज का डिस्पोजल जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह से किया जा रहा है, सरकार इसके प्रति अपनी कितनी जिम्मेवारी, उसके कर्मी कितने जिम्मेवार हैं, ये जो है ये डीएम को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के जो हमारे हॉस्पिटल के जो है प्रभारी महोदय हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के निजी घर के कैंपस के कॉर्नर में आप इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज कैसे डाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी उनकी लापरवाही है। और आज जब प्रश्न पूछा जा रहा है स्वास्थ्यकर्मी से या किसी से तो कोई अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने का, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लोग कह रहा है कि बच्चा ले जाकर फेंक दिया होगा सब, तो बच्चा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सौंपी गई है आपको स्वास्थ्यकर्मी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यहाँ शिक्षा विभाग में जो भी हमारे शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं उनको, पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कैसे डिस्पोजल करवाना है, कहाँ करवाना है। और मैं जिला प्रशासन से और ये अपने स्वास्थ्य विभाग से यहाँ के जो है सीएमओ हैं उनसे एक बार ज़रूर ये कंप्लेन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप जो है आम जन के स्वास्थ्य को खतरा में न डालें, आम जन के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एक तरफ आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य को जो है ठीक करने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, और दूसरी तरह आपके कर्मी जो हैं इस तरह इस हद तक लापरवाह हैं कि वो बीमारी रोकने के बदौलत के बजाय जो है वो बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इस पर जो है सख्त से सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। मैं विक्रांत कुमार सिंह, युवा राजद जिला अध्यक्ष, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बने।